मर जा चीरे मानवीर लेवे कंठति तोड़े बांदी बन उड़ जा वचीर धरती रे वेंगी ठोड़े मर जा चीरे मानवी लेवे कंठति तोड़े अरे बांदी बन उड़ जा या धरती रे ही ठोड़े। देखो एक विशेष नई बात बताऊं आपने, आ संसार में जन्म लेवे जगह का ईयान की ईयान की घटना होती रहे है। कोई आदमी आपको दिमाग है तो वो एब्सेंट कर लेवे, क्यों? ये सुख और दुख है जिसका दूध का दांत है, दूध का दांत ज्यादा दिन तक कुंदरेवे, बेहतर दूजा दांत आ जावे तो ज्यादा सुख हुए जो कोई ज्यादा दिन कुंदरेवे तो ज्यादा दुख हुए जो कोई ज्यादा दिन कुंदरेवे। लेकिन कई लोग बाग ये दुख ने ज्यादा मान रहा आपको दिमाग खराब कर लेवे, आपकी जिंदगी बर्बाद कर लेवे। लेकिन रजब जी महाराज स्पष्ट लिखे भाई क्यों दुख करो, रजब जी महाराज क्यों, रजब क्यों रोविए हसीए कौन विचार, अरे गया सो आवे नहीं रिया सो जवन हार। क्यों भाई क्यों तो रो और क्यों हसो, गया जगह तो कदे पाचा अवेला कोनी और रिया जगह सब जबाला है, ये वास्ते ज्यादा दुख करने की आवश्यकता नहीं हो परिवर्तन है। ये आनो जनो संसार को सिस्टम है, जर के वे ओ मेलो संसार को अटे आउन जाउन की रीत, अरे करनी ऐसी कर चलो पछ दुनिया गावे गीत। इस संसार को रीति रिवाज है, अरे कई आवे कई जाता रहे बने करनी ज्ञान की कर जाओ लारा दुनिया गीत गावे के भाई फलानो आदमी ज्ञान को हो एर कति भी की कमी पड़ी है एर एक जगो ज्ञान को जावे लोग बागे हो भाई गांव के मायने की दुगंधी वाड़ कम हुई हो गए ज्ञान को मरनो ही बेकार है। जन के वे ओ मेलो संसार को अटे आउन जाउन की रीत, अरे करनी ऐसी कर चलो बस दुनिया गावे गीत। तो देखो मारे बजरंग जी की फरमाइश है कि भाई राजा बलि की है जी थोड़ी मन कथा है सुनाओ, तो 10 मिनट को एक राजा बलि की जो कथा सुनाओ आपने कि आपने 4 महीना जगह चौमासा का हुआ है और एक जगह भाई 4 महीना के बाद देव सोएगा एक जगह या राखड़ी पूनम जगह रक्षा पूनम आ रही है 15 दिन ने आ क्यों मनावा और कदू चालू हुई वो भजन सुनाओ प्रेम। देखो करो तो आची करो रे बुरी विचारो नाये कसर पड़े जो क्यों करे थर ओची उम्र के माये तो देखो एक समय राजा बल्ली 99 यज्ञ करया। अगर राजा बल्ली के बेटे 100 यज्ञ कर लेते तो इंद्र को राज मिल जाता, लेकिन एक यज्ञ बाकी रहे। जरा इंद्र मन में विचार करो रे आप राज जातो रहे तो इंदर भगवान विष्णु जार प्रार्थना करी के बाप जी मारो राजा तो रही फिर आप जो हमारी की सहायता करो। जर भगवान विष्णु 52 अंगल को रूप बनाई और राजा बलि ने छलवा वास्ते आएगा। जरा राजा बलि के द्वारे भगवान 52 अंगल का बन जावे है तो राजा बलि जाता पानी महाराज को स्वागत करियो और क्यों महाराज कुछ दक्षिणा वगैरह लेने हैं तो है जो आप कह सको। जरा भगवान 52 अंगल का बनियोड़ा राजा बलि ने बोले भाई मारे ज्यादा दान की आवश्यकता कोनी, मैंने सिर्फ 2.5 पाउंड का जमीन की जरूरत है, मैं झोपड़ी बांध और भगवान का नाम की माला फेर। राजा बलि क्यों महाराज आची मांगी अटो मार को 250 बीघा लेवो तो कहीं कमी है जमीन कहीं 2.5 पाउंड मांगी क्यों रे 2.5 पाउंड ही गई। जरा राजा बलि क्यों बाप जी आप आपका पाउंड ना पो मैं मारा पाउंड ना पो। जरा भगवान क्यों नहीं भाई मैं तो मारा ही पाउंड ना पो। राजा बलि ना हंसी आई कि देखो इसका पाउंड खत्म होता है क्यों भगवान 52 अंगल का बन गया। जरा भगवान की भाई थारी जमीन है जो इन में लेन कौन करो मन वचन देवे सकल्प करे जरा थारी जमीन है जी लेन करो क्यों पुराना जमाना में रिवाज हो के रघुकुल रीत सदा चल आई प्राण जाए फिर वचन नहीं जाए। आदमी को शरीर जाता रहता लेकिन जबान नहीं जाती तो अटिनो राजा बलि सकल करवा की तैयारी करी तो राजा बलि के गुरु हा शुक्राचार्य
वे राजा बलि ने मना कर दियो को बाहु नांगल वालो महाराज आयो ने इन तू जमीन को दान मत दे तो कहीं को देखो शुक्राचार्य जी गुरु मना करे और राजा बलि नहीं माने और कहीं भगवान ने देखो ढाई पाउंड जमीन को दान कर दे फिर कहीं बात बने देखो भगवान की जय हो। भले
जमी को राजा मत दे दान जमी को पति है शियाबर को। के भाई मन पूछे जरंद खुद भगवान है तो इन जमी को दान मत दे, लेकिन राजा बली नहीं माने। वो राम जारो उठार सकलब करवा की तैयारी करी ने जर कहे के शुक्राचार्य जी मींड को बन और भी राम जारा की ठूंटी कमाई जार फर्श का जो पानी को टोपो ही गन पड़े। अबे पानी को टोपो नहीं पड़े जितने सकलब को नहीं हुए जर भगवान उता बात सानी को नहीं भगवान क्यों रही है ठूंटी कमाई कोई कचरो पछोड़ है जो गोचाऊ साफ कर ले। राजा बली गोचा को जोरदार जपीर दियो जो शुक्राचार्य जी के जार आंख में लागो एक आंख फूट गई और आंख में आंसू पड़े तो भगवान के वायरे सकलब हुई गो। शुक्राचार्य जी की एक आंख फोड़ दी तो आज भी एक आंख वाला है जगह शुक्राचार्य जी तो कहो बचे क्यों शुक्राचार्य जी जगत दिन हुआ। तो देखो सकलब होने के बाद में भगवान के वे बाप जी था कि अब जमीन है जी की नाप लियो। अब कहे के भगवान नाप पर लाई गया जो दो ही पाउंड कमाई नहीं पूरी सृष्टि ने नाप दी आधो पाउंड जमीन कम पड़ गई। बोले रे राजा आधो पाउंड जमीन कम पड़ गई क्यों बाप जी अब और तो कट मेल मारे पीठ पर मेल जो और तो कोई जगह है ही कोनी। भगवान कहे के राजा बल्ली के पीठ पर फक दियो पताल में मेल दी जरा कहे ने नर चीती रीति रेवे हर चीती तत्काल बली चायो हो राज इंद को पढ़ा दियो पताल। राजा बली तो इंद्र का राज की इच्छा करी लेकिन भगवान पताल का माय मेल दियो। अब आदमी घणो ही आपकी तरह आपको प्रमोशन करना चाहे है लेकिन प्रमोशन हुए को नहीं क्योंकि भी को आज को रिजल्ट नेगेटिव आ जावा करे है। तो आदमी आपकी तरफ कुछ करना चाहे लेकिन परमात्मा का सहयोग बिना कोई आदमी को कोई तरक्की नहीं कर सके कटे कोई प्रमोशन नहीं हो सके कटे की करे तो की नहीं हो सके। वास्ते कहे नर चीती रीति रेवे हर चीती तत्काल तत्काल ना हाथियों हाथ नर चीती तत्काल हर चीती तत्काल। अरे बलि चाहे राज इंद को पढ़ा दियो पताल। राजा बोले तो इंद्र का राज की इच्छा करी लेकिन भगवान पताल का माय मेल दियो। अबे राजा बल्ली भी कम कोने भगवान का दोनों टांगड़ा यहाँ टा पकड़ लिया कहे कि चार महीना तक छोड़ जाए कोने आपा कहे मैंने चार महीना देव होएगा चार महीना तक पकड़े उड़ा रह क्या अठी ने लक्ष्मी जी मन में विचार कर रहे चार चार महीना होगा यार भगवान घर ही आया कोने कटे है पेबा ने ढूंढ दी फिरे। अरे कोई मारे धनी ने देखियो किरे कोई मगा धनी ने देखियो कि नियम करता करता कोई पतो बतायो कि भाई राजा बल्ली के द्वारे पताल में है तो ये लक्ष्मी जी पताल में जावे लुगाया ने उपाय करी है हिरोन पानी घाल देवे कोई ने किए कर पोटा डगार की बंग बाई ना बना लेवे यानी बाई ना बना बाकी कई उपाय हो गए। तो लक्ष्मी जी पताल में जावे जाता पानी वो राजा बलि तो दोयो टांगड़ा हाटा पकड़ में लिया भगवान का मैं तो कोई बोलिया ने कोई चला लक्ष्मी जी जाता पानी आठी में एक डोरो काट और राजा बलि के हाथ के डोरो बांध दियो कि थे मारे जो धर्म भाई है। राजा बोले क्यों उठा औरत कटू आई कहीं धर में लोग ये क्यों मैं तो पताल में बैठू मेरे पास देने के पास कुछ नहीं है ऐठे आप इसको मारो धर्म में लोग कर दियो क्यों आज रक्षा को बंधन है ऐठे हमारे धर्म का भाई है जगह दिनों आपने रक्षा बंधन स्टार्ट आप कहो ना भाई राख रक्षा बंधन यानी हर प्रयास हूँ भाई है जो बहन की रक्षा करने की वास्ते भी गुनाह है रक्षा बंधन। तो राजा बल्ली बोले कि मांग बहन क्यों भाई काई मांगो ताकि नटकी समान तो है कोई पर माँ की एक रिक्वेस्ट एक प्रार्थना है कि माए थे पकड़िया ने जगान छोड़ दिया यह जुलम कर दिया बहन मन को ध्यान हो तो कि तू इन छुटावान आई है तो मैं थारू यान को धर्म लो कर तो भी को लेकिन अबे तुम्हारे रक्षा को बंधन लगा दियो हर प्रयास उतारी मैंने रक्षा करनी पड़ी। तो देखो ये धर्म लाभ कितनी ताकत है आजकल कलयुग में बात को नहीं आले तो कोई के जमीन बिको हुए तो धर्म भाई कर ले है कोई के भैंस बिको हुए तो धर्म भाई कर ले है आले स्वार्थ का धर्म है लेकिन पुराना जमाना में मर्यादा ही और पुराना जमाना की बात कुछ अलग ही। तो क्यों ए पकड़िया जगह छोड़ना पड़ी जरा राजा बली क्यों देखो मैं छोड़ तो देऊ आप मारे बहन हो लेकिन एक मारी शरत है साल का 12 महीना हुआ
जगह आप 8 महीना ही ले जा सको, 4 महीना तो परमानेंट मारकंड राघवा का वचन आपने देना पड़ेगा। जरा लक्ष्मी ने बड़े वचन देना पड़ो कि बाप जी जो मैं 4 महीना ही 8 महीना ही राख बाकी 4 महीना तो परमानेंट थक नहीं राखो। तो आज अता युग बीतगा तो आज भी आप देव सोएगा क्यों? 4 महीना तो भगवान ने राजा बलि के द्वारे परमानेंट जानो पड़े। और राजा बलि एक बात और बताऊंगा, आज दिन तक मौजूद भी है। एक दिन राजा बलि को जो इंद्र को राज है तो राजा बलि को आवे लो क्यों के बे चिरंजीव है संसार में बंगो बे अजर अमर है बंगो विनाश नहीं हुए। अठिनो भगवान ने ए लक्ष्मी जी छुड़ा दे रहे हैं भगवान दे के राजा बलि को तो मोटो दान ले लियो बन ओ दान हजम किया करा हरे को दान हजम को नहीं हुए क्यों? जरा पाचा चला जगो राजा बलि के घर चादर की दान दे रहा। जरा राजा बलि के माजी हा बन जार भगवान के माजी थे मारकन कीर की ले लियो। राजा बलि की माँ की ओर है ओ कौन है यान को अपन दे बना यो जान को। जरा राजा बलि के माँ क्या है? भली हुई जली न में बिलोचन के साथ मेरे पुत्र ऐसा खुआ जो खरी ने मडाया हाथ। राजा बलि की माँ क्या है? भली हुई जली ने में बिलोचन के साथ मेरे पुत्र ऐसा हुआ जो हरी ने मडाया हाथ। विलोचन हो राजा बलि के पिता लेकिन केवल 10 रानियां हैं, 9 तो सती होगी और 10वीं रानी राजा बलि की माँ जी की सती को नहीं क्यों इनके पेट के मायने राजा बलि हो क्यों तो गर्भवती स्त्री होती वह सती नहीं आ कर दी। तो इवास्ते बा राजा बलि की माँ क्यों कि भाई बे नौ सती मेलो थी तो आपने भिलाड़ा नौ सती मेलो भरी से बाहर मौजूद है। आई माता को स्थान है जोधपुर जिला के मायने भिलाड़ा गाँव है जबकि मैं देखो आज दिन तक भी एक कुंटल को टोकरो लगायो है जका रात ने 8 बजे 8 बारी टिकोरा बाजी 9 बजे 9 बारी बाजी 10 बजे 12 बजे मतलब घंटा का घंटा में टिकोरा भी बाजता रहे। मैं मौजूद देख रहा हूं मैं बट प्रोग्राम करवा गयो तो ई वास्ते एक कुंटल को है सब बिन ला पकड़ के नीचे बे लगायो है कोई बेरिंग धेरिंग बिन बजाओ पूरा गांव के मन भी सिटी के मन पूरी जगह सुनी जब कम कम 8-8 दो 10-10 किलोमीटर बट नोस्ती वालों मरी जे क्यों बे नो सत्या हुई। राजा जकी बलि के पिता की जकी औरत ही बे नोस्ती मेलो बाहरी बिलाड़ा में भरी जे तो मैं राजा बलि की माँ की बलि हुई जलीन में विलोचन के साथ अरे मेरे पुत्र ऐसा हुआ जो हरि ने मंडाया हाथ मारे खो को यान को लड़को जन्मियो भगवान जी ने हाथ जुड़ा लिया यार तू मन कहीं देवा ना आई भगवान दे क्यों रहे माजी तो की कौन ले पर राजा बलि की रानी ने तो कीर की देर चला बने ए मना कर दे जरा बने औरतों को जीव ज्यादा श्रृंगारा पर गहना कांटा पर ज्यादा है की नीवे तो कह भाई आलबा जो की फैशन वाली है ना एक दो गाली तो मारे खराब गेणु बोले 50 तोला सोनू कराए दो बोले औरतों को जीव ज्यादा श्रृंगारा पर रहे है। तो भगवान राजा बलि की रानी की मनवार करे और कहे देखो We'll be right back.
भगत और भगवान की जय हो। जोगेश्वर भगवान की जय हो। भगवान राजा बलि की रानी की मनुहार करी है, 16 श्रृंगार 32 आभूषण। इंद्र को इंद्रासन दे दू, बैंकुंठ धाम फटो रानी, 16 श्रृंगार मांगे तो दे दू, और इंद्र को इंद्रासन मांगे तो दे दू, थारी इच्छा वे तो बैंकुंठ धाम को फटो ही थारे नाम कर दू। जरा राजा बलि की रानी क्यों रहे, 16 श्रृंगार कटू दे, पति तुम्हारो पताल में बैठो है, औरत का श्रृंगार 15 ही हुए, 16 तो पति हुए, और वे श्रृंगार भगवान मिलवा वास्ते 16 श्रृंगार करना पड़े है, और भी औरत का भी 16 श्रृंगार है। केवे ना नेम को नाड़ो सरो, प्रेम की पटली पाड़ो, जरना की गांठ जुगत दीजे थारो, लोग हसलो सरो, साउरिया मिलवा चालो, ये सर 16 श्रृंगार। तो इस प्रकार भगवान मिलवा वास्ते 16 श्रृंगार करना पड़े, औरत का भी लोकल में भी 16 श्रृंगार है। केवे ने तीन काला दो उजला पतला, 5 प्रकार औरत का, बुआरा काला होना चाहिए, माथो भी है बाल भी खड़ा होना चाहिए, और होठ पतला होना चाहिए, दांत उजला होना चाहिए, यान करो औरत का 16 श्रृंगार है। एजता श्रृंगार मिले ने बिन कहवे है खूबसूरत जकी आपने भाई जकान कहवे भाई खूबसूरती भी हूं है जगह आगे कौन बढ़े है। तो ये वास्ते औरत का भी 16 श्रृंगार है, कुदरत का वेर एक करोड़ा हुआ, तो कई कई औरतों का जो कुदरत मन मिलोड़ा श्रृंगार करने की आवश्यकता कौन पड़े। जरा राजा बलि की रानी कहवे है काल फिरो तो माला घर का देने की, मांग तो फिरो जरा मांगा घर को तो तू मंग तो युगो, जरा मंगता की मंगती मैं थोड़ी पड़ो, कोई 16 श्रृंगार जाई जे, कोई इंद्र को इंद्रा न चाहिए, कोई बैंकुंठ धाम जाई जाए, जा मांगा करांगो तू मंग तो है, मंगता का मंगता में खती नहीं बना, तू दर कटे और कटे ही दे। भगवान मन में विचार करो रे, आ तो रानी है जिसको बात गमा दी। रानी केवल लगी मैं आ चीजों को त्याग करियो, और वो त्याग में किया को करियो जो तेन बताऊ। केवे देखो भगतोर भगवान की जय हो। राजा बलि की रानी भगवान ने जवाब दियो, आडल हार तजो जो धरणी, धरती पर पांव कबू नहीं मेले, रेण को ताक देवी चकवी ने, पीऊ को समझे शत्रु के ताई। हाडल यानी जो अंदर पक्षी आकाश में उड़े है, और भी की खुराक खाई है टेम का चार हाथी,
हाँ टेम का चार हाथी और विपक्ष को नेम खाई है वो धरती पर कहीं उतरे को तो ही भगवान वे चार हाथी टेमो टेम विघ्न पहुंचा रही है दर के वो ज्ञान अंधड़े पक्षी धरती को त्याग करो ने भी प्रकार में ही त्याग कर दियो हाडल हार तजो जो धरणी धरती पर पांव कबूनी मेले रेण को ताक दीवी चकवी ने पेव को समझे शत्रु के तय रेण नाव रात को है शत्रु नाव दुश्मन को है जिया चकवा और चकवी के रात ने त्याग रे वे और वे रात ने एक डाली पर कौन देखे बैठ कौन सके फिर बात चकवी रात ना आपका धनी ने दुश्मन के समान देखे शत्रु नाव दुश्मन को है रेण को ताक दीवी चकवी ने पेव को समझे शत्रु के ताई अरे लौट के गंगा उल्टी पे उधर जा मंगत के हम मंगत नहीं शत्रु नाम दुश्मन को है ज्ञान बात चकवी रात को त्याग करन भी प्रकार मैं आ चीज में त्याग कर दे रहा तू ही थारी राग भगवान देखियो रे जुलम लगा ए तो आप अपन की नीले वेर ओ दान आप अपन की आ जावन तो राजा बलि के लड़को है बाणुसर जकी बाण गंगा बारी मधु चले भगवान देखियो रे इन कीर की देवो तो हाउ को रहवे जरा बाणुसर ने की भाई तने है जको कीर की मार कर लेनो पड़ी जरा बाणुसर बोले बाप जी इयान का किस्मत वाला संसार में बनाओ इक्की वास्ते जगन के घर भगवान ने मंग तो बन जानो पड़ेगा बाणुसर भगवान ने कहीं जवाब देवे ऐसो लीलाड लिखे मोटी मोटो मंगण जावे रे मई पट मोटो मंगण जावे रे मई सजना मुग से राम उचारू जी झूठ कपट बदलो बदल में दिया विचारो सजना मुग से राम उचारू रे झूठ कपट बदलो बदल में दिया विचारो रे दिया में चारों रे
भगत वचन भगवान की जय हो। राजा बलि को लड़को वानुसुर भगवान ने जवाब देवे है, ऐसो लीलाड लिखे मती मोटो मांगने जावे मई पत मोटो। बोले भगवान यान का किस्मत वाला संसार में बनावो के वास्ते जका ने जो भगवान ने मन तो पण जानो पड़ेगे। ऐसो लीलाड लिखे मती मोटो मांगण जावे मई पत मोटो। अरे तू तो गयो बलि के द्वारे बावन आंगल हो गयो छोटो, कितो ठगाई को काम करो। सजना मुख से राम उचारो रे झूठ कपट तज लोभ दिल में दिया विचारो। आ यान की कपट करोला तो भगवान थांको संसार में नाम कोई नहीं लेवे। तो बलि ज्ञान को किस्मत आलो भगवान संसार आज दिन तक कोई नहीं बनाए। जर के वे सो दिलाड़ लिखे मटी मोटो मांगण जावे मई पत मोटो। अरे तू तो गयो बलि के द्वारे बावन आंगल हो गयो छोटो। सजना मुख से राम उचारो रे झूठ कपट तज लोभ दिल में दिया विचारो। तो आदमी की जद झूठ कपट नहीं निकले ने, जिते चाहे वो मंदिर में जावे चाहे मस्जिद में जावे चाहे तीर्थ यात्रा में जावे बेने की नहीं मिले। क्यों? ई बोली में तो भक्ति है, ई बोली में प्रेम है, और ई बोली में है जो जहर है इमी इमरत है। कहवे ने कागा किसका धन हरे कोयल किसको देत, अरे जिबड़िया इमरत बसे जरा जुग अपना कर ले। भाई ई जबान के मायने इयान को इमरत है जो कोई आदमी बोले जरा जी हो रो। क्यों? आत्मा है जगी बहुत सुखी हुए। एर एक आदमी यान को बोले जो लोग बाग उड़ी के भाई आपके बोलता ही सोचो भी करण हो है। तो इस वास्ते आदमी ने हमेशा मधुर और मीठ बोलना दो ही जे, और जगह कड़वा बोले ने जगहों को कड़वा तो संसार में केवे गदे जावे ही को नहीं। एक डोकरी गांव के मायने घणे खराब बोलती, तेरे गांव का लोग परेशान होगा। मन में विचार करो रे आ डोकरी इतना खराब बोले, बिन कोई पूछ लेता ने के डोकरी माँ आ तीन बजाले गाड़ी निकल गई अब आवाली है, तो वह सीधो ही जवाब देती कहीं तारे कहीं हेटा आनो है कहीं इया कौन कहती भाई घी फ्री आवाली है उमी का शब्द ही उल्टा ही। तो इन करता करता गांव का लोग बाग दस बीस भेला हुई और क्यों डोकरी माँ रोजी ने है जो खराब बोल वाली बनी है थारो घर गांव के बारे में बना देवा थारे जितो भी धान को ला के जो मैं उगाई कर दे देवा। जरा डोकरी के भाई धान मन उगाई कर दे जरा तांगे जचेट घर बंदा हो तो खाई पड़े 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 भाई घर गेला पर होनो की। हाँ गांव के बाल ले पाल कोई रस्तो हो जो भी डोकरी को घर भी रस्ता पर बंदा दी हो। अबे जेठ असा डाली बरसात हुई गांव का लोग बाग खेती करवाने गया तो रस्तो तो भी डोकरी का घर का आगो कर हो। अब डोकरी देख बने की राज भेला उर अगला इसी जावो हो क्यों माजी तान ध्यान कोने की बरसात हुई है जो खेती कर बा जावा। जरबा डोकरी की भाई थांगे तो कहीं दानो ही कोनी वो लोग मारे बहुत तय करियो तो धान है जो मैं छोड़ दूंगी कोनी। जर क्यों भाई कटे जोंको बना दिए तो कहीं फर्क पड़े क्यों भाई थांगे तो दानो ही कोनी वेलो पण मारे बात तय करियो तो बाजरी कौन छोड़ दूंगा। क्यों रे देखो ते कटे जोंको बना था डोकरी तो अपन यही बोली थोड़ा दिन ने गांव के मायने कोई आदमी खत्म हो गो। जर बिन लेर जावा जरा धीरे धीरे जावा क्यों पोजीशन बयान गिरे हुए है डोकरी बन देख रही क्यों रे अब कहीं धीरे धीरे ले जाओ अब किसी की कोई दिन थोड़ी टले गए। अरे क्यों का आ तो क्यों कोई काम पड़े तो आ तो जी बोल बाऊ दे जी पाची रे वही को नहीं यान करता करता डोकरी तो साहिब बाबिया की भी खराब बोल बा लागी। एक दिन पांच सात महीना हो यार गांव में और कोई काम पड़ गो कोई और आदमी खत्म हो गो गांव का लोग बाग में लेट जाओ बात याद रखी क्यों बैठा आपका वा डोकरी की ओल बोते दे ली जो ही वो डोकरी वालों घर आयो इधर की भाई अपन थोड़ा उतावलो उतावलो निकलनो है। तो जो ही वो डोकरी वालों घर आयो और भाई भाईगड़ा साग निकलिया डोकरी देख रही मान क्यों रे आज भाईगड़ा खड़ा जाओ रे एक गेड़ो और करो कहीं क्यों भापड़ी गेड़ो तो एक ही दोर हुए है। जर कहे कागा किसका धन हरे कोई किसको देत, अरे जी बढ़ला इमरत बसे जरा जुग अपना कर लेते।